Obviously, हम चाहते थे कि यहाँ पे असेंबली इंतखाबात हों, एक लल रहा, एक डेमोक्रेटिक लल रहा, तो लोग सॉर्ट ऑफ सफोकेशन फील कर रहे थे, उनको अपने नुमाइंदे होने चाहिए, और ये सिर्फ यहाँ की ही बात नहीं है, इट्स अक्रॉस द ग्लोब। और क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चीज़ से हम दूर रख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए? तो शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त आपने देखा होगा कि लोग कभी कभी एतबार भी उठता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट टॉर्न स्टेट रही है, चीज़ों को शेप अप होने में टाइम लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिस इज़ आई थिंक अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स अ वेलफेयर स्टेट, टुवर्ड्स अ वेलफेयर जम्मू एंड कश्मीर। तो सर, आज के जो वोट का है वो मैन मोटिव क्या है? ऑब्वियसली जब आप पार्टी टेक कहोगे मुझे कि अपनी पार्टी के बारे में, मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट एंड डिग्निटी, ये हमारा स्लोगन है। तो वो क्या होता है डेवलपमेंट एंड डिग्निटी? जो भी डेवलपमेंट हो वो एक डिग्निफाइड डेवलपमेंट हो। वाजवान खेमो सिखेमो त्राइम मज बूटस मज निकी, दैट्स व्हाट वी बिलीव इन। और हमने अपने मैनिफेस्टोज भी जारी किए हैं, तभी मैं कहता हूँ कि जो आपने किया होता है ना, तो वो मद्दनज़र रख के हम लोगों के पास गए, तो हमने उनसे कहा कि 2.5 साल के टेनवर में जो हमने किया है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर एवरी वन टू, आई मीन से वेदर दे वॉन्ट टू नो द पीपल हु वट इज़ पीपल्स कॉन्फ्रेंस ऑल अबाउट। एक तो ये होता है कि आप मर्ड स्लिंगिंग करें, आप इल्ज़ाम तराशी करें, दूसरा ये होता है ज़रा इसके काम का जायज़ा भी लिया जाए, इसने काम क्या किए हैं। तो मेरे ख्याल से हमने यही जो हमारा बेंच मार्क था ये लोगों के सामने रखा हमने, जो डेवलपमेंट का है। तो दैट्स वाई कि कुपवारा में आपने देखा होगा कि पिछले 15-20 दिनों से जब भी हम कंपेनिंग करते थे, लोगों का एक बड़ा रश लगा रहता था। और इंशाल्लाह ताला मैं एक ऐसा लग रहा है मुझे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस पिछले जितने भी रिकॉर्ड है, पार्टी छोटी थी अब बढ़ गई है, मेरे ख्याल से हम डबल डिजिट में आएंगे इंशाल्लाह ताला। सुलेमान साहब, आपकी आपको कि जो हमारे पॉलिटिकल पंडित्स है या एनालिस्ट्स है, वो भी परेशान हो गए इस चीज़ से कि जब 12 दिन में यकसर ही सारी चीज़ें तब्दील हो गई। मतलब आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते थे कि पहले एक वेव लग रही थी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वो क्या बोलते हैं इसको कि लोग टच ही हो गए। वो उन्होंने जब ये नारे लगाए गए कि तिहाड़ का बदला वोट से देंगे, मतलब सम इनविजिबल फोर्सेस वर देयर एंड दे एक्टेड कोवर्टली, एंड जो ये पॉपअप हो गया सोशल मीडिया पे, ये जो स्लोगन्स है या आप देखते हैं कि ये पिक्चर्स है, तो जो हमारी जो हम कश्मीरी बड़े सादे लोग हैं, हम ये नहीं देखते हैं फिर कि ये सच है कि गलत है, बट टाइम विल प्रूव इट। लेकिन वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, एज मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पंडित जो थे हमारे, उनको भी ऐसा नहीं लग रहा था कि, और जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे वोट आएंगे। बट इसमें कौन से फैक्टर्स थे, क्या इट वॉज़ इमोशनल और इट वॉज़ एन एंगर वोट, वॉट इट वॉज, मैनी फैक्टर्स वर देयर, एंड आने वाले वक्त में सबको पता चलेगा क्या था। ज़रूरी जानना है, आप ही के प्रेसिडेंट साहब ने हाल ही में मोदी के अगेंस्ट वोट जो नारा दिया है, उसको वॉलेशन से निकली है, लेकिन वहीं पे जो मोदी आपको कि जब प्राइम मिनिस्टर से सजाद गनी लोन साहब मिले, सो वंस ही कैम आउट ऑफ आफ्टर मीटिंग एंड वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जब उसे सवाल कहा पूछा गया कि कैसे रही मुलाकात, कैसा बिहेवियर था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि टॉक टू मी लाइक बिग ब्रदर, उसने मेरे साथ एक बड़े भाई की तरह बात की। और ये जो नारा बन गया उसको इस तरह से, मतलब ये आग की तरह से फैल गया कि देखो जी छोटा भाई बड़ा भाई, इस तरह से मेरे ख्याल से सजाद गनी लोन साहब को इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया जितना कश्मीर में उतने, मतलब जो इतने दागदार लोग हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। और इस बेचारे ने क्या किया, ज़रा आप मुझे बताइए। वो चाहता है कि कश्मीर डेवलप हो जाए, यहाँ पे खून खराबा ना हो, एक अमन वाला कश्मीर हो, मतलब वो इस चीज़ में बिलीव करता है, तो उसको ट्रोल क्यों किया जाता है, ज़रा आप मुझे बताए। हाउ कैन अ पर्सन हु वाज सिंगल इन द असेंबली कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370? हाउ कैन अ पर्सन हु इज हैविंग द मेजोरिटी, एज न्यूमरिकली हम देखते हैं, हम दो असेंबली मेंबर, एक बशीर साहब डार, एक सजाद गनी लोन साहब, हाउ ही कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग? मतलब जो भी कोई ख़राब चीज़ होती है सजाद गनी लोन साहब ने करवाया, इट मीन्स दैट इज़ अ बिग पर्सनैलिटी, ठीक है ना। तो जो भी अच्छी चीज़ हो रही है नहीं जी वहाँ से, अब कुछ चीज़ों को जवाब देना पड़ता है, फिर लोगों को ये लगना चाहिए, क्योंकि मासूम लोग हैं, यहाँ पे नैरेटिव्स, फॉल्स नैरेटिव्स सेट किए जाते हैं और लोग उनके पीछे, क्योंकि कश्मीरी अब भी बिलीव करते हैं कि जो इनको लीडर कहते हैं वही मानते हैं, सच है, ठीक है ना।
تو میں نے میں کہتا ہوں آپ سے کہ یا تو باتوں سے انسان کو جانا جاتا ہے یا اس کے فعل اس کے عمل سے جانا جاتا ہے. باتوں سے کم ہی جانا چاہیے, کیونکہ کبھی آپ یہاں میں نے دیکھے کنکاکٹڈ اسٹوریز فیبریکیٹڈ اسٹوریز پھیلائی جاتی ہے. 90 وائسز اگینسٹ ون پرسن, آئی مین ونس یو ٹاک اباؤٹ دا اپوزیشن پارٹی نیشنل کانفرنس دے ور دیئر ان دا پاور کوریڈورز فرام لاسٹ 7 ڈیکیڈز رائٹ, بٹ ناؤ دے آر ٹیچنگ اس دیٹ وی آر دا موسٹ مورل پرسنالٹیز ان دا ورلڈ وچ از ناٹ ٹرو رائٹ. اینڈ دے ور تھری ان دا پارلیمنٹ پارلیمنٹ ممبرس وین ابروگیشن آف آرٹیکل ٹک پلیس دیئر, ایٹ لیسٹ دے شوڈ ہیو دا مورل مورل کریج کہ وہ اٹھتے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں معاف کرو بھائی صاحب, ہم سے کچھ نہیں ہوا, ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں, ہم ریزائن کرتے ہیں اس چیز سے. اینڈ دے کنٹینیو دیئر ٹینیور. اور یاد رکھ لینا لوگوں نے آج بھی ان کو چنا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے نا. اب سجاد گنی لون صاحب کی جہاں تک بات ہے کہ اس نے نعرہ دیا تھا ایسے, آبویسلی ونس یو آر بینگ آئی مین سے لیبلڈ ایز branded as he is a Modi follower, he is a Modi bhagat, etc. And we have to tell the people that we are not, right? And we had the alliance with the BJP as PDP had, right? Alliance toot gayi, hum bhi alag alag ho gaye. Ye ek political alliance hai, koi aisi alliance nahi, dakki chupi nahi hai, dakki chupi cheeze hain jo hum jo karte hain khule aam karte hain.